कहते कितने देर में हमारे रावण हेलो नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आज बड़का गांव में विजयदशमी के उपलक्ष में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो रावण दहन समिति के द्वारा संपन्न हुआ। समिति के अध्यक्ष झमन महतो के अध्यक्षता में रावण का पुतला बनाया गया। और आपको बता दें कि बड़का गांव हाई स्कूल के मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम शाम 6 बजे से रखा गया था और भारी भीड़ जमी थी। आपको बता दें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक लोकनाथ महतो और DSP साहब मौजूद थे अपने सपरिवार के साथ। और एक काफ़ी भव्य प्रोग्राम था, रावण का पुतला बनाया गया था। आप लोग जानते हैं कि रावण दहन जो कार्यक्रम है ये हर साल मनाया जाता है बड़का गांव में। आपको ज्ञात होगा कि बड़का गांव के आसपास के क्षेत्रों में रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होता है, इस वजह से काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। काफ़ी लोग आसपास के गाँव से इलाकों से लोग आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि लगभग 10 से 15 हज़ार के करीब में भीड़ जुटी थी और पूरा हाई स्कूल का मैदान खचाखच भरा था। लोगों ने रावण दहन कार्यक्रम का काफ़ी लुत्फ़ उठाया, आतिशबाजी देखी। वे पूर्व विधायक लोकनाथ महतो ने कहा, रावण दहन कार्यक्रम आप लोग देखने आए हैं, लेकिन ये रावण जो है ये एक ब्राह्मण था और बहुत बुद्धिमान था, परंतु इसके मन में घमंड आ गया था और ये इसी कारण से इसका नाश हुआ। जनता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लोकनाथ महतो ने कहा कि आप लोग भी अपने अंदर के रावण को यानी अपने अंदर के घमंड को मार दें, अन्यथा वह आपके सर्वनाश का कारण बनेगा। आज यह सीख लेकर के यहां से आप लोग जाएं। जनता को रावण दहन समिति के अध्यक्ष झमन महतो ने भी संबोधित करके उन्होंने भी कहा कि लोगों को अपने अंदर के रावण को समाप्त करना चाहिए, तभी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो है वो सार्थक होगा। हम लोग हर साल दशहरा पर्व पर दशानन को अर्थात रावण को उनके वध को दिखाते हैं और ये समाज में एक प्रेरणा लोगों को लेनी चाहिए इससे कि रावण हर लोगों के अंदर में रहता है, लेकिन उसे मार देना चाहिए। रावण यानी लोगों के अंदर का घमंड। आप कितनों भी बुद्धिमान हैं, कितना भी बड़े हैं, लेकिन आपके अंदर में यदि रावण की सोच आ गई अर्थात घमंड आ गया, तो फिर आपका अंत तय है, आपका सर्वनाश तय है।